अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ़िश पाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत टेस्टी और बहुत जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत कम मिसालों में तैयार होती है ये, तो आइए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाजरों को काटेंगे और इसके बाद ग्रीन प्याज को। और पालक को भी काट लेंगे हम। फिश के हम पीस करेंगे, आप इससे बड़े या इससे छोटे भी पीस कर सकते हैं। ये वाइट फिश है। अच्छा, फिश को आप पहले बीच में से काट लें, अगर आप पूरी काटेंगे तो वो टूट जाएगा। डालेंगे और मेल्ट होने तक हम इसमें गाजरें डाल देंगे। गाजरों को हमने सॉफ्ट नहीं रखना, ऐसे हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। बटर डालेंगे और साथ ही इसमें प्याज भी डाल देंगे। इसको भी बस हमने ऐसे हल्का सा ऊपर नीचे करना है। और इसमें नमक डालेंगे हम और काली मिर्च का पाउडर। डाल लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा और बटर डालेंगे। और इसमें पालक डाल देंगे हम। पालक को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ऊपर नीचे ऐसे बस घुमाएंगे। पालक थोड़ी सी और डालेंगे, मुझे कम लग रही है। अब हम इसमें निकाल लेंगे इसको। सॉफ्ट होने पर निकाल लेंगे, बटर डालेंगे। मेल्ट होने तक हम इसमें फिश डाल देंगे। जब फिश की एक साइड फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट लेंगे। अच्छा, जब हम फिश काटते हैं तो उसके ऊपर आप नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं, और ऐसे भी एक साइड जब बन जाए तो फिर दूसरी साइड पे काली मिर्च और नमक डाल सकते हैं, जैसा आपको। नमक डाल देंगे हम इसके ऊपर और काली मिर्च भी डाल देंगे। एक साइड फ्राई होने पर हम इसको पलट देंगे और इसको हमने फिश को गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह हम सारी फिश को फ्राई कर लेंगे। पैन में डालेंगे हम बटर। मेल्ट होने तक हम इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और इसको हम भूनेंगे। भूनना ऐसा है कि इसका कलर चेंज ना हो, बिल्कुल हल्की आंच पे खुशबू आने तक हम इसको भूनेंगे। बटर थोड़ा सा कम था, इसमें 1 टेबलस्पून और डाला है हमने, और इसको मिक्स कर लेंगे।
बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको भूनेंगे, खुशबू आने तक हम इसमें मिल्क डाल देंगे और जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि गुठली ना हो। और काली मिर्च और नमक डाल देंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। बॉयल आने तक हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें आप फ्राई फिश और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और अगर हम ऐसे आप सेपरेट भी कर सकते हैं। पहले मैंने वाइट सॉस डाली है और अब मैं वेजिटेबल्स इसमें इसके ऊपर फैला दूंगी। ये देखो इसी को, और इसके ऊपर फिश ऐसे पीस रख दें सारे। और इसके ऊपर हम दोबारा व्हाइट सॉस डालेंगे, लेयर देंगे इसके ऊपर व्हाइट सॉस की। और फैला लेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ी सी और डालेंगे इसके ऊपर सॉस। इसके ऊपर हम पफ पेस्ट्री की शीट्स डालेंगे। थोड़ी सी बड़ी काटेंगे हम, क्योंकि इसके साइड हमने बनानी है इसलिए ऐसे। और इसके ऊपर हम मिल्क लगाएंगे। अगर आप चाहें तो अंडे की जर्दी में थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको आप अच्छी तरह फेंट के वो भी आप लगा सकते हैं इसको। इसको ओवन में रखेंगे हम 180 पर 20-25 मिनट के लिए। ये हमारे फिश पाई तैयार हो गई है, बहुत मज़े की बनी है, ज़बरदस्त किस्म की, बहुत टेस्टी। आप एक बार जरूर ट्राई करें, इसको बनाएं, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।